हेलो दोस्तों, देखिए ये आपको जो फील्ड दिखाई दे रहा है यह है आपका किसका चना का। ठीक है, चना मतलब ग्राम जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम। तो इसका जो आपका साइंटिफिक नाम होता है वह होता है आपका सेसर एरिटेनम। ठीक है, आपने देखा होगा एक तो होता है आपका काला काला सा एक चना होता है, उसका नाम होता है सेसर एरिटेनम, और एक आपका बड़ा वाला चना होता है सफेद कलर का जिसे हम काबुली चना के नाम से जानते हैं, तो वह होता है आपका सेसर काबुलियम। क्या होता है? सेसर काबुलियम होता है। ठीक है, अब देखिए यह जो आपको ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है, यह आपका आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है? यह आपका सेसर एरिटेनम का ही पेड़ है। किसका? सेसर एरिटेनम का ही आपका पौधा है, नॉट पेड़, पौधा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं इसमें खट्टी होती हैं। इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? खट्टी होती हैं। तो इसकी पत्तियों के खट्टे होने का क्या कारण होता है कि इसमें जो है आपका एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो एसिड होते हैं, एक तो होता है आपका मैलिक एसिड और दूसरा होता है आपका ऑक्जैलिक एसिड। क्या होता है? मैलिक एसिड होता है, दूसरा आपका ऑक्जैलिक एसिड होता है। तो इसकी पत्तियों के खट्टे होने का कारण यही है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा फील्ड को घुमाकर दिखाइए कि ये जो आपको एक क्रॉपिंग का पैटर्न समझ में आ रहा होगा। क्या? क्रॉपिंग का पैटर्न समझ में आ रहा होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक तो आपने पढ़ा होगा इंटरक्रॉपिंग, दूसरा होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं उसे हम अंतरासस्यम, और मिक्स्ड क्रॉपिंग को हम कहते हैं मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि। ठीक है, तो ये मिश्रित खेती में हम क्या करते हैं कि जब हम आपस में बीजों को मिला करके और तब हम बुवाई करते हैं तो वह होती है आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, और दूसरी होती है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि जब हम कोई दो फसलों को एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं और उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है या फिर आपकी जो पांच पंक्तियां हैं लाइन टू लाइन पांच पंक्तियां होती हैं, वह आपकी जैसे मान लीजिए चने की हैं, यानी कि आपके ग्राम की हैं, ठीक है, सेसर एरिटेनम की है, और एक जो आपका एक पंक्ति है वह आपकी सरसों की है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वह आपको कुछ पौधे आपको सरसों के दिखाई दे रहे हैं और कुछ पौधे आपको जो है किसके दिखाई दे रहे हैं? चने के दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा होगा वह जो आपको डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, वह कोई मेंटेन नहीं है। क्या है? डिस्टेंस कोई मेंटेन नहीं दिखाई दे रही होगी जो प्रॉपर मेंटेन होता है। तो जब डिस्टेंस प्रॉपर एक तरीके से मेंटेन नहीं होती है, देखिए एक पौधा ये खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देखो कुछ पौधे खड़े हुए हैं, एक पौधा वहां पर खड़ा हुआ है, वहां पर खड़ा हुआ है, ये खड़े हुए हैं, लेकिन कोई आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस या प्रॉपर स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है। और जब आपको कोई प्रॉपर स्पेस नहीं दिखाई देता है तो ऐसी क्रिया में हम क्या नाम देते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। अब यहीं पर यदि इनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होता, प्रॉपर स्पेसिंग होती, पांच पंक्तियां चने की होती, एक पंक्ति सरसों की होती, पुनः फिर पांच पंक्तियां सरसों की होती, और पुनः पांच फिर पंक्तियां चने की होती और फिर एक पंक्ति सरसों की होती, तो यह जो है आपके इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत आता। ठीक है, और ये जो है आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंतर्गत आने वाली जो आपकी खेती दिखाई दे रही है, कैसे? मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इसकी प्रजातियां होती हैं, कुछ इसकी प्रजातियां होती हैं, जैसे जैसे आपने सुनी होगी गौरव होती है, अवरोधी होती है। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रजातियां हैं वह क्या है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आपकी गौरव प्रजाति होती है इसमें एक रोग लगता है जिसे हम कहते हैं बिल्ट। बिल्ट का मतलब हिंदी में जिसे हम कहते हैं उकठा रोग। क्या कहते हैं? उकठा, यानी कि उकट जाती है। ठीक है, तो ऐसी ऐसे रोगों के बचाव के लिए यह जो है आपका किसके द्वारा होता है? बिल्ट मतलब यह जो है फफूंदी के द्वारा, यानी कि फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम जो है ऐसी विल्ट रेसिस्टेंस प्रजाति को ग्रो करते हैं। विल्ट रेसिस्टेंस प्रजाति में जैसे आपकी अवरोधी आती है, गौरव आती है, ये आपकी विल्ट रेसिस्टेंस प्रजातियां होती हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा बता दें कि जब हम इसकी जो फैमिली होती है वह क्या होती है? लेग्यूमिनोसी होती है। क्या होती है? लेग्यूमिनोसी, यानी कि दलहनी कुल की यह फसल है। इसमें जो है आपकी जो पंक्तियां है, जो आपके नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वह बैक्टीरिया कौन से होते हैं? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं। कौन से होते हैं? राइजोबियम। लेग्यूमिनोसोरम, हर प्रत्येक दलहनी फसल में अलग अलग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे आपके राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम होते हैं, राइजोबियम ट्राइफोलाई होता है, राइजोबियम मेलिलोटाई होता है, राइजोबियम ल्यूपिनी होता है। तो इसमें जो है आपका राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नत्रजन को स्थिरीकरण करता है। इसमें जो है आपको देखिए, ये देखिए नोड्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए जो आपको, ये देखिए गोल गोल कुछ नोड्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए जड़ों में कुछ गोल गोल गोलिकाएं दिखाई दे रही होंगी। इसी में जो है आपके बैक्टीरिया जो होते हैं वह निवास करते हैं, और इन्हीं का जो है
कंज्यूम करते हैं और इनको जो है नाइट्रोजन पहुंचाते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को या वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और बैक्टीरिया उसका स्थिरीकरण करता है। इसलिए दलहनी कुल की फसलों में हम नाइट्रोजन को ज्यादा नहीं देते हैं। दलहनी कुल की फसलों में हमें फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। मैन्योर फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन हम नहीं देते हैं, देते भी हैं तो ना के बराबर देते हैं। ठीक है, इतनी बात लगभग आपको क्लियर हो गई होगी। और ये जो है आपका जो आपको फील्ड दिखाई दे रहा है किसका है, एसेसर एरिटेनम का। इधर देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये आपकी अरहर है। अरहर यानी कि जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, जिसका साइंटिफिक नेम कैजानस कजान होता है। क्या होता है, कैजानस कजान होता है। और इसमें जो है आपको इसका एक अलग नाम और होता है जिसे हम तुर के नाम से जानते हैं, TUR तुर के नाम से जानते हैं। इसमें जो है आपकी इसमें भी आपका उकठा रोग लगता है जिसे विल्ट के नाम से जानते हैं, विल्ट रोग लगता है। इसके चने के बारे में हम थोड़ी सी आपको एक जानकारी और दे दें, थोड़ी रह गई है। क्या होता है कि आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी आपके लोग रहते हैं, इसकी जो आपकी शीर्षस्थ कलिका होती है, शीर्षस्थ कलिका होती है, ये जो आपको शीर्षस्थ कलिका दिखाई दे रही है, इसको इस प्रकार से खोट लेते हैं, जिसे हम खोटाई के नाम से जानते हैं। इस शीर्षस्थ कलिका खोट लेते हैं, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एपिकल बड। जब हम इसकी एपिकल बड को 15 से 20 सेंटीमीटर तक इसको हम खोटाई कर लेते हैं, खोट लेते हैं, तो इस क्रिया को ही हम कहते हैं निपिंग। क्या कहते हैं, निपिंग, या हिंदी में कहें तो खुटाई कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो हम निपिंग कहते हैं, NIPPING। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसकी सब्जी बनाकर भी खाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे जब हम इसकी एपिकल बड को निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इससे जो शीर्षस्थ कलिकाएं होती हैं वह और ज्यादा कलिका निकलती है, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम अपने खेत से भेड़ों के झुंड को निकाल देते हैं तो वह चर जाती हैं, कुछ ग्रेजिंग कर लेती हैं, जिससे इनमें जो है कलिकाएं फूट जाती हैं। या फिर इसके लिए एक हम केमिकल का प्रयोग भी करते हैं जिसका नाम होता है टाइबा। टाइबा का पूरा नाम होता है ट्राई आइडोबेंजोइक एसिटिक एसिड। क्या होता है, ट्राई आइडोबेंजोइक एसिटिक एसिड होता है। तो टाइबा का हम प्रयोग कर देते हैं, जिससे जो है इसमें एपिकल बड जो है निकल आती है, दोबारा से इसकी एपिकल बड वहीं पर टूट जाती है और जो है इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा कलिकाएं निकल आती हैं, जिससे जो है हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी चने और अरहर से जुड़ी हुई। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि ऐसे ही एग्रीकल्चर फैक्ट जानने के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विद टैलेंटेड बॉय। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।